थंबनेल जो कि तुम्हें बनाने नहीं आते क्योंकि तुम एक नल्ले हो क्या? मैं नल्ले से मैं प्रो लेवल तक थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। थंबनेल में मास्टर होने के टोटल 3 ट्रिक्स है, उसी में से एक ट्रिक है आस्क योर ऑडियंस लाइक दिस। तुम कोई थंबनेल बनाए एंड उसमें किसी भी जगह का सोशल मीडिया पे भेज दो एंड कुछ ऐसा सिंबल लगा दो कि वो रेट कर सके। आस्क योर ऑडियंस हो चुका है, मेक यूनिक थंबनेल नहीं हुआ एंड प्रैक्टिस मास्टर माइंड तुम लोग को होना ज़्यादा जरूरी है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी है हाउ टू मेक थंबनेल, जो कि बिगिनर्स के तुम उसको जाकर देख सकते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। थंबनेल बनाने के लिए मैं तो पिक्सआर्ट एंड पुजॉल लॉन्चर यूज करता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि पुजॉल लॉन्चर के अंदर हम रीप्ले मोड बना सकते हैं। अगर तुम पुजॉल लॉन्चर के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पुजॉल लॉन्चर की वीडियो से भरा हुआ है, तुम उसे जाके देख सकते हो। एंड यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अलग अलग जगह के एंड यहाँ से हम लोग का काम हो जाता है। एंड हम लोग चल रहे अपने पिक्सआर्ट पे, जिससे हम लोग अपना थंबनेल बनाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड में लगाने के लिए कुछ चीज़ खोजूंगा मैं, जो कि मुझे मिल चुका है ये। एंड तुम और चीज़ भी ढूंढ सकते हो अपने हिसाब से एंड तुम बैकग्राउंड बना भी सकते हो रिप्ले मोड से, कुछ अपना बना सकते हो वैसे, लेकिन मैं ऐसे टाइप का बनाने वाला हूँ। एक बार मैं तुमको बना के दिखा देता हूँ, तुम प्रैक्टिस करते रहना ये, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम कोई नई नई थंबनेल था आइडिया बनाते रहना। एंड मैंने जो दो स्क्रीन शॉट लिए थे उन सबको ले लेना है एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपने स्क्रीन प्लेयर के हिसाब से क्रॉप कर लेना जो रिप्ले में स्क्रीन शॉट लिया तुमने। एंड ये हो चुका है एंड साइड वाले को से करके एंड रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। या रिमूव बैकग्राउंड के लिए तुम्हारे पास प्रीमियम होना चाहिए पिक्सआर्ट का, नहीं है तो APK डाउनलोड कर लो गूगल से पिक्सआर्ट APK। एंड दूसरा वाले का भी मुझे साथ वही करना है, क्रॉप करना है एंड सेट पे करना है एंड रिमूव बैकग्राउंड कर लेना है, जो अच्छा होगा उसी पे कर देंगे हम लोग। एंड ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग पहले वाले इसी बनाएंगे। तो मैं भी एक बेसिक थंबनेल बना रहा हूँ, पहला वाला स्क्रीन शॉट लिए उसको लेना है एंड मैं साइड में लिख देता हूँ मैन हंट ऐसे ही बनाने के लिए। एंड उस पर क्लिक करने से डाउन पे मूव कर देना, डाउन मूव, क्योंकि बैकग्राउंड के जो प्लेयर उसके पीछे आ जाएगा, है ना। एंड ये हो चुका है एंड उसके बाद मुझे अच्छे से मैंने लिखा है उसको अच्छे से कर लेना। उसको तुम आइटम पे क्लिक करके शैडो पे जाना, जो साइड में शैडो है एंड ब्लर मैक्स एंड ओपेसिटी मैक्स एंड ये सब कुछ इनों में 100 पे कर देना ये सब है। एंड कलर पे जाके अपने हिसाब से कलर चूज कर दो, लाइक मैं को मैट कर देता हूँ वाइट। एंड टेक्स्ट देखो मेरे एकदम ग्लोइंग टाइप हो चुका है टेक्स्ट ही। एंड ये कितना थंबनेल भी कूल लग रहा है ना, ये तुम्हारे बेसिक थंबनेल है। एंड हम चलते हैं अपने थोड़े यूनिक थंबनेल की तरफ। छोटे फाइनॉक्स भैया हैं, ये देख सकते हो उनकी थंबनेल ऐसी है और हम लोग भी ऐसी थंबनेल बनाने वाले हैं। एंड मैं तो यहाँ पे भूल गया वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर लेट ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। एंड यहाँ से मैं अपना स्टार्ट रिप्ले मोड कर देता हूँ स्टार्ट। एंड मैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा जंप कर लेता हूँ, पहले बेडरॉक में कुछ हाथ में लेता हूँ, कुछ इलीगल आइटम हाथ में ले लेते हैं। एंड ये हाथ में ले लिया एंड मैं चला जाता हूँ सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में एंड कुछ अच्छे से रिप्ले मोड के लिए अच्छा सा जंप वंप स्टार्ट कर देता हूँ मैं। एंड मैं इस तक तुम लोग को रिप्ले के उसमें जा कर दिखा देता हूँ, कैंसिल ये हो रहा है रिप्ले मोड, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, डन। एंड रीप्ले व्यूअर्स वाइट बोरा ये हो गया एंड ये खुल चुका है हम लोग का रीप्ले मोड। एंड मैं पहले अच्छे से बैकग्राउंड के लिए जो अच्छे से थंबनेल बनाना है उसके लिए मैं कोई अच्छे से पोल ढूंढ लेता हूँ, लाइक पहले स्टार्टिंग पे चला जाता हूँ। मैं रीप्ले मोड अगर तुमको चलाने नहीं आता तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, तो मैंने दिया हुआ है हाउ टू कैसे चलाते हैं रीप्ले मोड, हाउ टू यूज, इसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है मैंने। एंड ये हो चुका है देख लो, ये अच्छा सा बैकग्राउंड मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये अच्छा बैकग्राउंड है मेरे लिए। किसी अच्छे से लोकेशन बजा के F1 एंड GUI दबा दूँगा, उसके बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ये सच, हाँ ये मेरा परफेक्ट लोकेशन है F1 GUI। एंड फिर हम लोग लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लिया मैंने, और चलते हैं अपने अगले रीप्ले मोड की तरफ। एंड ये अपना अलग क्लिप है अलग से, जो एक और मैं रिप्ले मोड बनाया था। एंड इस पर जाके मैं एक अच्छी सी परफेक्ट लोकेशन पर जाके एंड उसको मैं स्क्रीनशॉट लूँगा किसी अच्छी जगह पे पहुँच करके। ये 1x स्पीड है, ओके ये मेरे हिसाब से जगह ठीक है। हाँ ये वाला क्लिप ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ये ठीक है। एंड मैं F1 एंड GUI दबा देता हूँ एंड उसके बाद मैं इसके स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। एंड हम लोग चलते हैं अपने पिक्सआर्ट की तरफ एंड फिर से जाके वैसे ही बैकग्राउंड की उठा लेना हम लोगों को, एंड फोटो में जाके स्टिकर्स में जाके
स्टिकर्स में जाकर माइनक्राफ्ट सर्च करो, यहाँ पे मिल जाएंगे थोड़े बैकग्राउंड तुमको। एंड ये वाला नहीं चाहिए हम लोग को, ये वाला चाहिए, इसको हम लोग साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड यहाँ पे जाके इसको सेट पैक कर देते हैं। एंड ये हो चुका है। एंड जो हम लोग के दो फोटो थे जो हम लोग ने स्क्रीन शॉट लिए, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। एंड उन दोनों को जाके क्रॉप कर देते हैं अपने थोड़े हिसाब से। एंड ये क्रॉप भी हो चुका है। एंड पहली बता, तुमको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने भी इतना जल्दी थंबनेल बनाना नहीं सीखा, तो टूल ये बहुत सारे देखे एंड अदर बहुत सारे काम किए ना, मेरे को एक्सपीरियंस है मतलब 3 साल से ऊपर का, इसलिए मेरे को थंबनेल बनाने आता है। एंड ये देख सकते हो, तुम मुझे शुरुआती में रहोगे तुम भी अच्छे से थंबनेल नहीं बना पाओगे, पहले कह देता हूँ। थोड़ा टाइम तुमको थोड़े महीने लगेंगे अच्छे थंबनेल बनाने के। एंड दोनों को बैकग्राउंड में रिमूव कर चुका हूँ एंड अच्छे से इन दोनों को परफेक्ट जगह पर डाल देता हूँ अपने हिसाब से। एंड इसमें थोड़े थोड़े से स्ट्रोक डाल देंगे, लाइक एक दो, जैसे इसमें एक स्ट्रोक डाल दिया। एंड इसमें भी एक ही स्ट्रोक कर देता हूँ जिसे थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड ये थोड़ा सिमिलर है लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा अलग है हम लोग का उन लोग का। बैकग्राउंड तुम लोग को खुद से ही बनाना होगा, या कोई वेबसाइट है तो तुम बैकग्राउंड वहाँ से ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने एक थंबनेल चूज किया ये विलेजर वाला, तो मैं ऐसे GFX पैक चाहिए तो मैं डिस्कॉर्ड थोड़ा ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैं इस एरिया को क्रॉप कर लेता हूँ अच्छे से, यस अच्छे से, थोड़ा सा कि इसमें लोग अपना बेडरॉक डाल सकें। ये हो चुका है। एंड इसको मेरे को सेट पे क्लिक करना है एंड इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा इसमें बेडरॉक डालना है, तो पहले बेडरॉक सर्च कर लेते हैं। बेडरॉक बेडरूम नहीं, माइनक्राफ्ट बेडरॉक सर्च कर देता हूँ, बेडरूम पता नहीं क्या है, माइनक्राफ्ट बेडरॉक। एंड ये हो चुका है बेडरॉक, हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं एंड इसके अंदर जाके डाल देते हैं। एंड थोड़ा साइड में सोच रहा हूँ कर दूँ इसका स्वॉर्ड, इसको भी हम लोग कहते हैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। एंड इसको मूव डाउन कर लेंगे लाइक दिस। एंड इसको मूव डाउन, ओके ये मूव डाउन हो चुका है एंड स्वॉर्ड इसके ऊपर आ चुका है। एंड अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वैसे ही थंबनेल है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है बस, है ना। एंड इसमें हम लोग एक अब लोगो डाल देते हैं SMP का बढ़िया सा। एंड वहाँ पर अपना लाइट अप SMP का लोगो भी डाल दिया हूँ, एरो भी लगा दिया हूँ। मैं तो एक ही चीज़ छूँगा तुमसे, तुम्हें थंबनेल बनाते रहना चाहिए, या कोई और कोई यूट्यूबर थंबनेल बनाता तो उसी से इंस्पायर्ड होकर उसी टाइप का थंबनेल बनाना चाहिए। तुम्हारी थंबनेल बनाने की जो तुम्हारी कला ना और इम्प्रूव होते जाएगी, जैसे मेरी कला भी इम्प्रूव होते रहती है। मैं खुद नहीं कहता कि मैं खुद एक मास्टर हूँ थंबनेल बनाने के लिए, लेकिन जो जितने भी आदमी ना दुनिया में सारे थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, कोई भी मास्टर नहीं है दुनिया में थंबनेल बनाने के लिए, समझे। तो तुम ही थंबनेल बनाते रहो एंड कुछ कुछ ट्रिक अपनाते रहो थंबनेल बनाने के लिए। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगर तुम बोलोगे कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊं तो मैं वो भी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।